Question number 15, 12th maths RBSE. Miscellaneous exercise number 16 and youth personal number 16 टाइप का यानी प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास तीन ग्रुप्स है, पहले ग्रुप में वन बॉय और थ्री गर्ल्स है, दूसरे ग्रुप में टू बॉयज और टू गर्ल्स है, और थर्ड ग्रुप में थ्री बॉयज और वन गर्ल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारे को हर ग्रुप में से एक एक बच्चे का सिलेक्शन करना है, और सिलेक्टेड बच्चा इसमें से बॉय या गर्ल दोनों है तो कोई भी हो सकता है। तो अब हमारे को जो प्रायोरिटी निकालनी है ना, वो निकालने की वन गर्ल और टू बॉयज का सिलेक्शन हो, इसके कितने चांसेस है। तो यहां से एक ही बच्चे का सिलेक्शन होगा, इसमें से भी एक का होगा, इसमें से भी एक का होगा। तो बी वन यानी बी वन का मतलब हो गया फर्स्ट ग्रुप से लड़की का सिलेक्शन होने के चांसेस वन बाई टोटल इतना फोर, और इसी ग्रुप से अगर लड़की का सिलेक्शन हो तो उसके कितने चांसेस है, थ्री बाई फोर। इसी तरह से B2 का मतलब हो गया सेकंड ग्रुप से लड़की का सिलेक्शन होने के चांसेस, दैट इज 2 बाई 4, टोटल लड़के कितने 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड कितने कितने अपने पास 4 है। इसी तरह से हमारे पास यहां से लड़की का सिलेक्शन होने के चांसेस भी 2 बाई 4, इसको लिख दो 1 बाई 2, ये 1 बाई 2। यहां से थर्ड ग्रुप से बॉय का सिलेक्शन हो जाए, इसके चांसेस 3 बाई 4, और यहीं से अगर गर्ल का सिलेक्शन हो तो इसके चांसेस कितने जाएंगे, 1। अब हमारे जो प्रायोरिटी डिमांड है ना, वो है सिलेक्ट वन गर्ल एंड टू बॉयज, यानी कि एक लड़की और दो लड़कों का सिलेक्शन होने की प्रायोरिटी निकालनी है। तो ये PE इक्वल्स टू हो जाएगा, जब देखो अब वन एक लड़की होनी चाहिए और दो बॉयज होने चाहिए है ना, लेकिन ये थोड़ी का किस ग्रुप से होने चाहिए, तो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हो सकता है एक लड़की है ना फर्स्ट ग्रुप से सिलेक्ट हो जाए, यानी कि जी वन, तो अगर यहां से लड़की सिलेक्ट हो गई और एक ही लड़की सिलेक्ट होनी चाहिए तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, बॉयज का सिलेक्शन होना चाहिए। तो सेकेंड ग्रुप से बॉय और थर्ड ग्रुप से भी बॉय। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप से बॉय का सिलेक्शन हो जाए तो सेकेंड ग्रुप से लड़की का सिलेक्शन होगा, सपोज यहां से लड़की का सिलेक्शन हो जाए, और थर्ड ग्रुप से फिर क्या होगा, बॉय का कंपल्सरी है, क्यों भाई, क्योंकि कितना होना चाहिए, एक ही लड़की होनी चाहिए। प्लस इसी तरह से ये भी हो सकता है कि बी वन बी टू और ये जी थ्री, यानी कि फर्स्ट ग्रुप से बॉय, सेकेंड ग्रुप से बॉय और थर्ड ग्रुप से क्या आ जाए, लड़की आ जाए, तो भी ये पॉसिबल है क्योंकि वन गर्ल और टू बॉयज के सिलेक्शन की प्रायोरिटी हमें निकालनी है। अब यहां देखो PG1, PB2 और PB3 ऑलरेडी हमारे को पता है ना, तो इसकी प्रायोरिटी कैसे आ जाएगी, PG1, PB2 और PB3 प्लस PB1, क्योंकि दोनों क्या है, ये B1 है और यहां B3 है, तो बीच में G2 है, यहां G2 आ जाएगा और ये B3 प्लस PB1, PB2 और ये PG3। अब इनकी वैल्यू लिख दो, PG1 ये हमारे पास 3 बाई 4 इंटू PB2 1 बाई 2 इंटू PB3 3 बाई 4। लिखते समय केयरफुल लिखो कि डेटा सारे हैं तो ढंग से, कोई एक भी मिस हो गया तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा हो गए। PB1 ये हमारे पास 1 बाई 4, PG2 1 बाई 2 और यहां ध्यान देखें क्या क्या लिखा है, PB1 G2 नेक्स्ट कौन सा ध्यान से B3 B3 कितना 3 बाई 4, बहुत धीरे और पेशेंस के साथ करना है। PB1 की वैल्यू थी 1 बाई 4 इंटू PB2 ये 1 बाई 2 और PG3 दैट्स 1 बाई 4। अब हमारे पास देखो इनका एलसीएम कितना आएगा, जाओ तो आप 3 3 9 और ये कितना हो गया 16 और ये 32 प्लस यहां पर आएगा 3 अपॉन 32 और ये 32 नहीं और ये 1, इनका तो एलसीएम हो जाएगा 32 और 3 प्लस 9 कितना 12 12 1 13 13 अपॉन 32 ये इसकी।
ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए ना आप थोड़ा पेशेंस रखें, पेशेंस रख क्वेश्चन पढ़ें, डेटा कलेक्ट करें और वैल्यू रखते समय बहुत ध्यान से रखें तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। होप योर बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।